हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी हार्ड टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम डिप्लोमा फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए या आप आईटीआई ट्रेड में आपका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, फर्स्ट लेक्चर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। उस इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है फर्स्ट ईयर में रहता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको आज हम बताएंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा कैसा जाता है, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पहले इसके बारे में हम बताएंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन वाइज आपको क्वेश्चन करेंगे जो आपको जेई के लिए हो गया, जूनियर इंजीनियर के लिए हो गया, या आप टेक्नीशियन के लिए हो गया, यूपीपीसीएल हो गया आपका, पावर ग्रिड हो गए, और भी आपके जो मतलब कि गवर्नमेंट हो गए या सेंट्रल या स्टेट में जो आपके टेक्निकल मतलब कि जॉब के लिए आते हैं उसमें आपको ये सब ये चैप्टर जो है ये आपका सब्जेक्ट बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं जो आपसे मतलब गलती भी हो जाती है, तो इस बारे के क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा होगा, या आपने कोई इलेक्ट्रिकल मतलब पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम के बारे में आपने मतलब जान लें, आपने मतलब कि स्टडी भी किया होगा, तो पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि बेसिक अगर बेसिक देखा जाए हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़ है, या इलेक्ट्रॉन से ही हमारा करंट बना है, या इलेक्ट्रॉन ही मतलब मूल जो आपको मतलब टर्मिनोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पर ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड होती है। तो अगर पावर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो होती गति होती है वो अगर डीसी में है तो 0 हर्ट्ज पर उसका होगा मूव, अगर आपका एसी सप्लाई का है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है प्रकार से वो आपके मतलब 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग देखना हो तो इसमें आपको ये देखना हो कि इलेक्ट्रॉन की गति ना तो 0 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज किसी भी फ्रिक्वेंसी पर आप उसको ऑपरेट करा सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मूवेबल जितना इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी की अकॉर्डिंग सेट होती है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम 50 पे चलाएंगे तो 50 हर्ट्ज की अकॉर्डिंग वो मतलब सेट होती है, अगर हमारा 0 हर्ट्ज पे चलाएंगे तो 0 हर्ट्ज की अकॉर्डिंग सेट होती है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये देखना रहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 0 से 50 हर्ट्ज भी हो सकता है, या किसी भी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर उसको हम मूव करा सकते हैं, चलाते हैं, ठीक। लेकिन पहली अगर आपको हम देखा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन की, तो वो आपकी होती है फ्रिक्वेंसी कि वो किस फ्रिक्वेंसी पे हमारी मतलब चलती है। लेकिन दूसरी अगर इसमें हम देखते हैं अगर दूसरा महत्व देते हैं तो वो आपका वोल्टेज को होता है, ये आपकी मतलब एफिशिएंसी की होता है। तो दूसरा टर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन का आपका एफिशिएंसी हो सकता है या तो वोल्टेज सेट करता है, ठीक। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसे आपको मतलब कि पहले फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उतने अच्छे मतलब कंडक्टिविटी होगा, वो उतने अच्छे उसमें चालकता का गुण होगा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे उतने ही मतलब खराब या मतलब बैड कंडक्टिविटी होती जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ था। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन प्लस ऑनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को चलाएं, इलेक्ट्रॉन का मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवेबल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मूवेबल जितने अधिक होगा उतनी अच्छी स्पीड से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट करती है। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन होंगे, या आपके सैटेलाइट हो गए, या आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कंट्रोलिंग सिस्टम हो रहे हैं, अब आपको पीएलसी स्काडा आ गया है, तो इस सब चीज़ों में अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज ही किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सिस्टम, जितने सिस्टम आपके ऑपरेट होते हैं, कोई भी सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम जितने ऑपरेट होते हैं वो सब अब क्या हो गया, डिजिटल। तो डिजिटल का शब्द वर्ड ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ही हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप टेक्निकल के क्षेत्र में देख लीजिए, आप तो देख लीजिए नॉन टेक क्षेत्र में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होने लगा है, तो इसलिए ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इसी सब्जेक्ट को हमने इसलिए उठाया क्योंकि आप लोग का कमेंट था या आईटीआई का हो गया डिप्लोमे हो गए, तो हमने सोचा कि आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं क्योंकि आपको ये आपने अपने एकेडमी में मतलब पढ़ा भी होगा या डिप्लोमा कर रहे तो उसमें पढ़े होंगे या आपने आईटीआई किया होगा तो उसमें भी आपको जानकारी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब आपके हमने बता दें कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित आपको इसमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स बनता कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल कैसा होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना। तो पहले तो आप देखना टाइप ऑफ मटेरियल कितने होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन से संबंधित होते हैं उनके बारे में आपको देखना है कि उसकी मटेरियल क्या होती है, उसमें सामग्री क्या है। तो पहला ये है कंडक्टर होता है, चालक, कंडक्टर के मीन्स चालक होता है। चालक में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी ये होना चाहिए चालक जो होना चाहिए वो हमारा ठोस होना चाहिए, चालक हमारा द्रव नहीं होता, ठीक। तो जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत आसानी से होगा वो चालक बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो कंडक्टर में ये आपको देखना है कि 10^-7 ओम पर मीटर, यानी कि 10^-7 ओम पर, मतलब कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है जितने कम रेजिस्टेंस होंगे उतनी अच्छी चालकता होगी। तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि आपका पावर है -2, तो 10^-7 ओम पर मीटर है आपका। ये आपको पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कंडक्टर ही होना चाहिए, जो चालक होने चाहिए उसमें हमारी प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत कम, क्योंकि जितने रेजिस्टेंस कम होंगे उतने अच्छे उसमें चालकता होगी, उतने अच्छे उसमें इलेक्ट्रॉन इजी वे से फ्लो कर सकेंगे, जितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतनी हाई वैल्यू की करंट हमारी उस सिस्टम में या उस मटेरियल में फ्लो करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट मतलब होता है कि आपका जो टेम्परेचर से रिलेशन है, जो टेम्परेचर से उसका रिलेशन है, यानी कि कैसे हुआ टेम्परेचर के रेशियो में वो बढ़ेगा या घटेगा या उसकी चालकता कम होगी या ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर कोफिशियंट जो चालक की होती है वो हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है, पॉजिटिव रखी जाती है मतलब कि अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो RT बराबर होता है R01+α0T, ये होता है। तो RT क्या होता है, कोई टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रतिरोध आपका RT हो गया या कोई हमने कोई सिस्टम से तार जोड़ा या वो काम करने लगा ऑपरेट करने लगा तो किसी एक टाइम अगर हम उसको देखते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो उसको RT मान लिया, R0 टेम्परेचर या R0 प्रतिरोध जो होगा उसकी स्टार्टिंग प्रतिरोध होगा। और 1+0α0 क्या होता है, α0 होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आपके कंडक्टर का दिया रहता है हर कंडक्टर, जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया सोने चांदी हो गया, तो ये सब जो आपके धातु हैं या एक प्रकार के जो चालक हैं वो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया रहता है। टी क्या है, टी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर आप निकालना चाहते हो उस टेम्परेचर को रख करके आप निकाल सकते। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव रखा जाता है, यानी कि धनात्मक होता है। अगर आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया अगर कि आपका का चालक जो है वो तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वो काम करते जाएंगे जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाएगा तो उस तार की गर्मी भी बढ़ती है, तो उस तार के अगर गर्मी बढ़ने से क्या होता है, तार का प्रतिरोध भी आपका बढ़ता है, ठीक। ये आपका डिसएडवांटेज ये है कि अगर तार का चालक तार में अगर आपका तापमान बढ़ेगा चालक तार का तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है जिसकी वजह से पावर लॉस भी बढ़ेगा। तो इसलिए रखा जाता है कि हमारा चालक जो हो उसका कम से कम तापमान में काम करिए, उसमें गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि वो किस एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, अगर वो खुले वातावरण में काम कर रहा है जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो इस सब में क्या होता है, ये सब तो बेयर कंडक्टर होते हैं मतलब कि इंसुलेशन नहीं होता तो इनकी गर्मी तो बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आपने किसी कमरे में वायरिंग कर दी या आपने किसी ऐसे सिस्टम में वायरिंग कर दिया जिस तार पे इंसुलेशन चढ़ा है तो उसकी गर्मी को हम बाहर नहीं कर सकते, तो उसको बाहर करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि उसकी रेटिंग के हिसाब से, जितनी रेटिंग के लिए सिस्टम बना है उस रेटिंग के हिसाब से उसको हम सेट करते हैं और उसी सेटिंग वैल्यू पे वो काम करेगा तो वो उसकी गर्मी नहीं बढ़ेगी और उसका रेजिस्टेंस भी सेट रहेगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक, कुचालक में ये होता है जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें चालक, जिसमें कु मतलब होता है जिसमें चालक की प्रॉपर्टी ना हो या ना हो उसको कहते हैं कुचालक या इंसुलेटर। इंसुलेटर में होता है एबव 10^8 ओम पर मीटर,
1 मीटर में अगर देखा जाए तो 10^8 ओम प्रतिरोध होता है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है 10^8 की पावर। तो इसलिए इसमें चालकता का गुण नहीं मतलब नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका देखते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब ये होगा अगर आप उस चालक तार के या उस इंसुलेटर तार का अगर हम प्रतिरोध बढ़ाते जाए बहुत बढ़ते बढ़ते उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं यानी कि जो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन एकाध दो निकल जाते हैं, तो वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है उसका रेजिस्टेंस कुछ डाउन होने लगता है, तो डाउन इतना भी नहीं हो जाता कि वो चालक के जैसा व्यवहार करने लगे। तो इसलिए इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब पावर सप्लाई देना पड़ेगा तब आप ये काम में इसको ला सकते हैं। जैसे इंसुलेटर में आप देखते हो रबड़ देख लेते हो, प्लास्टिक देख रहे हो, लकड़ी देख रहे हो सूखी लकड़ी हो गई, या आप मतलब कोई कागज देख रहे हो, ठीक इंसुलेशन देख इंसुलेटर देख रहे हो, तो ये सब इंसुलेटर में आते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये सेमीकंडक्टर, ये आपका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर, क्योंकि यही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आप पढ़ लोगे तभी इसी का यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं आएगा तो आपका बहुत सारे चीज छूट जाएंगे। अब अगर सेमीकंडक्टर में देखते हैं तो 10^-4 ओम पर मीटर से 10^-0 ओम पर मीटर होता है, यानी कि इसका प्रतिरोध जो होता है वो आपका कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होता है। कंडक्टर से तो आपका ये कम होता है इसका, यानी कंडक्टर से ज़्यादा प्रतिरोध इसका होता है लेकिन इंसुलेटर से प्रतिरोध इसका कम होता है, तो यानी इसीलिए आपसे बोला जाता है कि सेमी कंडक्टर जो होता है वो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। ठीक 10^-4 ओम पर मीटर से 10^0 ओम पर मीटर, अगर इसमें तापमान बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध घटेगा, ये आपका पहली प्रॉपर्टी। जैसे आपका इंसुलेटर था इंसुलेटर, तो आपके इंसुलेटर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं लेकिन सेमीकंडक्टर में वही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक अब अगर देखा जाए तो इस पर टेम्परेचर आपको बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध होता है इंसुलेटर। अब अगर आप इसमें देखें एग्जाम्पल, तो आप 3 एग्जाम्पल लें, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, तो ये आपका क्रिस्टल टाइप का होता है। अगर सिंगल क्रिस्टल देखें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये 2 प्रकार के ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिससे आपका आपका कोई भी सिस्टम बनाया जा सकता है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है, तो ये आपका मतलब क्रिस्टल टाइप का है। अगर मतलब ये आपका डबल क्रिस्टल होगा तो इसमें 2 ऐड हो जाते हैं यानी गैलियम आर्सेनाइड, यानी 2 मटेरियल को जोड़ करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक अब अगर आपका देखा जाए कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर। ठीक अगर आपसे पूछता है कि कंडक्टर में बाहरी कोष में, जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर आपका पदार्थ है तो पदार्थ से छोटा आपका क्या होता है मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। ठीक या आप ऐसा देखते पदार्थ से छोटा कण हो गया, कण मतलब पार्टिकल देखते, छोटे छोटे कण पार्टिकल से मिलकर आपका पदार्थ बनता है, तो पदार्थ से छोटा कण हुआ, कण से छोटा अणु होते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से छोटा आपका हो जाता है ये आपका मतलब कि परमाणु, तो परमाणु आपका अणु से छोटा होता है, तो ऐसे इसकी सीरीज क्रम में आपको पढ़ते रहते हैं। ठीक अगर आपसे पूछा जाता है कि चालक कोई भी पदार्थ है उस चालक के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आपके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन अगर चालक के देखते हैं तो 1 से लेकर 2 हो सकते हैं। ठीक अगर आपका 1, 2 भी या 3 भी मान सकते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके बाहरी को। लेकिन अगर आप इंसुलेटर में पूछते हैं, इंसुलेटर में आपका होते हैं 6, 7, 8 नहीं ले सकते 7 भी, ठीक क्योंकि 8 लेंगे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, वो काम मतलब इनर्ट पार्ट हो जाएगा यानी अक्रिय हो जाएगा, तो अक्रिय वाला चीज़ को नहीं लेंगे, यानी 6, 7 हो सकता है या 5 भी ले सकते हो। अगर सेमी कंडक्टर में देखते हैं तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोष में, 4 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो सेमी कंडक्टर पदार्थ बनेंगे या वो सेमी कंडक्टर जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक जैसे सिलिकॉन का आपका होता है 14 हो गया, जर्मेनियम आपको हो गया 32, अगर इनकम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आपके सामने 2, 6, 2, 8 होगा, 8, 2, 10, 10, 6, 10, 6, 14 ये हो गया। ठीक अब इसमें देखते हैं 2, 8, 18, 8, 2, 10, 10, 28, 28, 4, 3, तो देखिए इसके सबसे बाहरी कोष में जो है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर में रखा गया। ठीक तो आपका सिलिकॉन जो भी आपके मटेरियल होंगे जिसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन आपने 4 निकाले वो सेमी कंडक्टर कैटेगरी यानी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कोई, क्योंकि कुछ अपवाद होते कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाता है। ठीक अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल बॉडी को देखते हैं कि
क्लासिफिकेशन क्या है इसका, तो क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताते हैं। ठीक, तो इसमें ये देखना है कि ये इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो किस रीजन से इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि आपको कंडक्टर के बारे में बताते हैं। ये आपको हमने प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़नी है। जब आप इन तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी बेहतरीन ढंग से पढ़ लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़ा से जानकार हो जाओगे, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, अब देख लीजिए, जैसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, आप ये तो अंडरस्टैंड, जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपका है कि एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हम तीनों पदार्थों को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम समझेंगे। ठीक, तो आपका पहला पार्ट हमने इंसुलेटर बनाया, दूसरा सेमी कंडक्टर बनाया, और चौथा अरे तीसरा कंडक्टर बनाया। तो तीन पार्ट हमने बनाया, तीनों पार्ट के हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अब इसमें पहले ये कि अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, हाइड्रोजन बैंड क्या होगा, वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड वो होता है जो बाहरी कोश होते हैं, कोई भी परमाणु होगा उसके जो मतलब ऑर्बिट होंगे, यानी कि इन मतलब बाहरी ऑर्बिट, यानी आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उससे उसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड में मौजूद रहते हैं। अगर वैलेंसी बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, तब तक आपका उसमें कोई भी कंडक्टिविटी या कोई भी चालकता उत्पन्न नहीं होगी। ये आपका फॉरबिडन बैंड किस पर डिपेंड करता है, यानी ये फॉरबिडन जो गैप बना, ये फॉरबिडन गैप उस पर डिपेंड करते हैं कि ये इस पार इस मतलब लेवल को या इस लिमिट को पार करेंगे तभी वो चालक व्यवहार। जैसे आपने सप्लाई से जोड़ा, कोई भी तार को जोड़ा, तो उस तार की करंट तभी बह सकती है जब तक वो इतने एनर्जी गैप का इलेक्ट्रॉन है, इतने एनर्जी गैप के पावर को ले नहीं लेगा, या तो वो एनर्जी के रूप में ले या तो वो हीट के रूप में। ठीक, अब देखो इंसुलेटर में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं। पहले हम इंसुलेटर की बता रहे हैं, इंसुलेटर में आपका क्या होता है, फार परिये वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन संख्या होवे नहीं करती, क्योंकि आपके पांच या छह या सात आठ बताए ना कि आपके बाहरी कोश में पांच इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सात इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए बता रहे, इंसुलेटर के लिए। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत चाहिए। ठीक, तो पांच इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए इसमें वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम। जब यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी ये आपका एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट है, तो ये इसमें जब पहले से ही बहुत से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इसमें जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, जिसके वजह से इंसुलेटर में कोई भी कंडक्टिविटी का प्रभाव नहीं दिखता है, कोई भी चालकता जैसा व्यवहार नहीं दिखता। ठीक, तो अब फॉरबिडन बैंड इसमें सबसे ज़्यादा होता है, फॉरबिडन गैप सबसे ज़्यादा होता है, इसी फॉरबिडन गैप को पार करने के लिए अगर इसमें दो चार इलेक्ट्रॉन है भी उसको निकाल करके बाहर, यानी कंडक्शन बैंड में जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक वो चालकता का गुण नहीं, तब तक उसमें चालक का प्रभाव नहीं होगा, तब तक उसमें करंट नहीं रहेगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए, ठीक, तो एनर्जी गैप आपका पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे हाईएस्ट पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उनको एनर्जी लेगा वो आपसे पावर सप्लाई से, तब वो उतनी पावर सप्लाई लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉन जो इसमें बचेंगे वही जाकर इसमें कंडक्शन बैंड में जाते और कंडक्टिविटी का फ्लो दिखता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर, ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा लेकर ये काम करते हैं, बट आपको ये ध्यान देना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो, जो हम मोर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं यहाँ पर लेस लिख दो, बहुत कम थे, लेस बहुत कम, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक, क्योंकि वो चालक है। अब ये आपने समझ लिया, एनर्जी गैप मतलब होता है कि उस गैप की लेवल को जब तक वो पार नहीं करेंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन इस बैंड में नहीं पहुंचेंगे, जब तक ये कंडक्शन बैंड जैसे चालक बैंड के नाम से है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो आपके फ्लो करने लगेंगे उस तार में या उस मटेरियल में फ्लो करेंगे और उसके अपोजिट दिशा में धारा बनने लगती है। ठीक, तो ये आपका इंसुलेटर का पार्ट। अब आते हैं हम सेमी कंडक्टर, जो सेमी कंडक्टर आप इसमें पढ़, सेमी कंडक्टर में आपका फॉरबिडन गैप जो होता है ये इसकी अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब इस फॉरबिडन गैप में पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी चाहिए इसको,
एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं एनर्जी का मात्रक होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब से कम इलेक्ट्रॉन, इससे ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी लेगा और अपने वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अनुमति देगा और वहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आएगा वो चालकता का गुण इसमें आने लगेगा, फ्लो करने लगेगा करंट। ठीक, अब तीसरा है आपका कंडक्टर में तो आपका देखो हमने जैसे लिखा एनर्जी गैप अथवा फॉरवर्डन गैप, ये ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड ऐसे एडजस्ट होते हैं कि इसमें फॉरवर्डन गैप या एनर्जी गैप का शब्द ही नहीं रहता, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं और जब ओवरलैप कर जाते हैं तो इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, यहाँ पर बहुत सारे फिर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी पाते हैं वो तो वोल्टेज सप्लाई से पाए या तो हीट से पाए, हीट यानी ऊष्मा से पाए, वैसे जैसे थोड़ी एनर्जी पाते हैं वो तो उछल करके आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, चालकता का गुण उसमें फ्लो करने लगता है, उसमें धारा बहने लगती है, तो इसीलिए चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका चालकता का गुण सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें देखने को मिलता है सबसे कम यानी ना के बराबर मान सकते हैं इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आप ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है कि चालक कुचालक और अर्धचालक के बीच में अंतर कैसे कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ कैसे सकते हो, क्योंकि आज आपकी ये फर्स्ट लेक्चर है, आज आपको हमारा मोटिव था कि हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है वह किस मटेरियल से मिलकर बनता है। ठीक, तो आपको हम बता दिए जर्मेनियम, इसका नाम है जर्मेनियम इसका नाम है, तो ये जर्मेनियम ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन और ये गैलियम आर्सेनाइड, तो सिलिकॉन जो होता है वो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आपका आता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, एनर्जी गैप यही है एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप फॉरवर्ड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं है, सब देखो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा गैलियम आर्सेनाइड, ये भी सेमीकंडक्टर, ये भी कुछ चालक अरे अर्धचालक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका एनर्जी गैप होता है, इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए इनके अपेक्षा इनके दोनों के अपेक्षा। तो ये आपके तीन प्रकार के हमने मटेरियल लिख दिए जो आपके सेमीकंडक्टर और बहुत सारे मटेरियल होते हैं। अब जब आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो गया, आपके पास अर्धचालक मिल गया, तो अब आप क्या बनाओगे, सेमीकंडक्टर जब मिल गया तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाना शुरू करोगे, लेकिन उसके सेकंड लेक्चर में यानी कि सेकंड वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम उठाएंगे और इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे कि ये बनता कैसा है और आगे चल के ये पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बना, पी टाइप की प्रॉपर्टी क्या होती है, पी टाइप में कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर हम बना सकते हैं, एन टाइप में कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर के हम बना सकते हैं, तो इन सब के बारे में आप सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा और हम सेकंड वीडियो आपको बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे और आपके जब तक ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म नहीं होगा तब तक हम आपको ये स्टडी कराते रहेंगे, आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख सकेंगे, जो कि आपको जेई हो गए मतलब जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि आपको हर मतलब कि टेक्निकल एग्जाम के लिए बेनिफिशियली होगा, तो आप इसको पढ़िएगा, आप इसको देखिएगा, अगर कोई आपको सुझाव देना या कोई कमेंट करना तो उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में और थोड़ा इसको लाइक करिए सब्सक्राइब, जिससे मोटिवेट थोड़ा हो और आपके लिए अच्छी तरह बेहतरीन लेक्चर दे पाए। थैंक यू क्लास।